गुड मॉर्निंग। और गाइस, हमारा सफ़र तो शाम को स्टार्ट हो गया था और अभी सवेरे जल्दी से उठा और मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे हम लोग तो अपनी मंजिल की ओर निकलते चले और अच्छे अच्छे नज़ारे थे वो सारे नज़ारे हम लोगों ने कैप्चर कर लिए और चोटीला पहुँच गए। अभी तक चोटीला पहुँच गए हैं, वहाँ ऊपर माता जी का मंदिर है। बस में बच्चों के साथ थोड़ी बातें कर ली, थोड़ा उन लोगों के साथ भी एंजॉय कर लिया, नज़ारे को अच्छे अच्छे देख लिए और ये खिलौना था मेरा भाई लाया था तो उसके साथ भी खिलौना किया थोड़ी देर। हमारा सफ़र तो अभी जारी है, अभी तक 2 घंटे और निकल जाएंगे वहाँ पहुँचते। अभी तक क्या कर सकते हैं, बाहर का नज़ारा एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे शांत जैसे खुली खुली हवा है और नज़ारे भी काफ़ी खूबसूरत है। हम सोचते हैं कि हमारी मंजिल ही सिर्फ अच्छी होती है लेकिन उसके बीच का जो रास्ता है वो तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत होता है। हेलो गाइस, फाइनली अभी हमारी इंतजार की घड़ी ख़त्म हो गई है और हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं। अभी 5 मिनट बाकी है, ऑलमोस्ट डन हमारा सफ़र। और गाइस, अभी उतरते ही सीधा आपको एक खूबसूरत सा नज़ारा दिखाने के लिए लेकर चलूँगा। गाइस अभी तो नीचे चलते हैं, चल भाई चल चल। और गए इस यहाँ पे पहुँचते सीधे, ये देखो अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिले हैं। और अभी तो मैं आपको एक और जगह पे लेकर चलता हूँ और यहाँ पे सारी जो घूमने लायक जितने भी जगह है वहीं पे जाएंगे, पूरा दिन यहीं पे रहने वाले हैं और सीधे रिटर्न बस में जाएंगे हम लोग और रात को पूरा दिन यहीं पर एंजॉय करेंगे अच्छे से। सो गए अभी तो हम लोग चलते चलते जा रहे हैं अपनी मंजिल के पास, क्योंकि पूरी रात तो बैठे हुए थे, पूरी नाइट निकल गई बैठे बैठे, तो अभी तो चलने का मन हो रहा है तो चलते चलते पैदल जा रहे हैं। गाइस बहुत दूर लग रहा है तो हम लोगों ने रिक्शा ले लिया अभी। और गाइस फाइनली हमारी मंजिल पे पहुंच गए हैं हम लोग। और गाइस यहाँ पहुँचते ही हमें इतना बड़ा गेट दिखा और यहाँ से हम लोगों ने एंट्री ले ली अंदर और ये गेट है अक्षर द्वार और सीधा हम लोग तो अंदर चलते गए और हमारी मंजिल की ओर बढ़ते गए। तो गाइस अभी तो हम लोग यहाँ पे अंदर आ गए हैं, पहले तो फ्रेश होते हैं और उसके बाद मंदिर में जाएंगे। सो गाइस फाइनली अभी तो फ्रेश हो गया हूँ और आपको अभी मैं मंदिर में लेकर चलता हूँ और यहाँ पे गार्डन भी बहुत सारे हैं और बहुत सारी जगह है घूमने के लिए, तो आपको सब कुछ दिखाऊँगा मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जितनी भी जगह है घूमने के लिए वो सभी दिखाऊँगा आप लोगों को। चलो गाइस अभी मंदिर में चलते हैं और वहाँ से आप लोगों को दिखाता हूँ। और गाइस अभी तो चप्पल यहाँ पे निकाल दी है, अभी को लेकर चलता हूँ आप लोगों को। और काफ़ी बड़ा एरिया है पीछे का भी है, देखो फिलहाल तो अभी आपको अंदर लेकर चलता हूँ। और जो सामने ये सब लोग दिख रहे हैं वो मंदिर की प्रदक्षिणा कर रहे हैं और अभी तो मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ और यहाँ से जो मूर्तियाँ हैं वो ही दिखाने की ट्राई करता हूँ आप लोगों को। अभी तो आपको मैं पीछे की ओर से व्यू दिखाता हूँ और यहाँ पे भी इस तरीके के छोटे छोटे मंदिर बना के रखे हैं। यहाँ पर मेरे पीछे जो लोग हैं वो मंदिर की प्रदक्षिणा कर रहे हैं और ये यहाँ पे गणपति जी का मंदिर है और साइड में हनुमान जी का मंदिर भी है। और गाइस अभी दर्शन कर लिए हैं, थोड़ी देर यहाँ पे बैठे हैं और इसके बाद में जो यहाँ का पूरा एरिया है वो मैं आपको दिखाने के लिए लेकर चलूँगा। और गाइस यहाँ बैठे बैठे मोबाइल में ऐसा देख रहा था, पीछे का व्यू काफ़ी सही आ रहा था। ये देखो गाइस बादलों की वजह से अभी तो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है यहाँ का नज़ारा, ये देखो पूरा एरिया काफ़ी खूबसूरत है और आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हो घूमने के लिए, बहुत अच्छी जगह है और आपको काफ़ी ज़्यादा सुकून भी मिलेगा यहाँ पे बैठ के। मेरी जो जितनी भी थकान है ना यहाँ ट्रैवलिंग की वो सभी यहाँ पे आके मीट गई है और आराम से अभी तो बैठे हुए हैं, थोड़ी देर अभी तो यहाँ पे नज़ारे को एंजॉय करते हैं, थोड़ा सुकून को फील करते हैं और उसके बाद जितनी भी जगह है घूमने के लिए सारा गार्डन दिखाऊंगा, दूसरा मंदिर है वो भी दिखाऊंगा, वो सब कुछ यहाँ पे जितनी भी जगह है वो सभी जगह पे आपको लेकर चलूँगा, सभी दिखाऊँगा मैं।
वहाँ पर बैठे बैठे मैंने टाइम लैप्स शूट कर लिया था। और ये व्यू देखो यहाँ का। चलो गाइस, यहाँ पे तो बैठ के काफ़ी सारा आराम हो गया और काफ़ी ज़्यादा सुकून भी ले लिया हम लोगों ने। और अभी आपको लेकर चलता हूँ और अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ से बाहर का व्यू दिखाता हूँ। और गाइस ये देखो, ये पूरा एरिया काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत सारी जगह है यहाँ पे देखने के लिए। और ये हमारे दोनों भाई अभी तो नीचे जा रहे हैं, हम लोग भी नीचे चलते हैं और आपको लेकर चलता हूँ। और गाइस अभी तो हम लोग यहाँ पे अंदर जा रहे हैं घूमने के लिए और आप लोगों को भी दिखाता हूँ। चलो भाई, चलो गाइस अभी तो अंदर चलते हैं। सीढ़ियों से चलते चलते हम लोग अंदर पहुँच गए और उसके बाद सबसे पहले चरण स्पर्श किए और उसके बाद मैं आपको ये यहाँ का नज़ारा दिखाने के लिए लग गया। यहाँ पर हम लोगों ने दर्शन भी कर लिए और गाइस ये है स्वामी जी की मूर्ति। यहाँ पर स्वामी जी का पुराना सामान रखा है और ये मंदिर पे जो पिलर है वहाँ पे इस तरीके के स्ट्रक्चर रेडी किए हैं। यहाँ पे बहुत सारे इस तरीके के स्ट्रक्चर हैं। अभी तो मैं आपको यहाँ से बाहर लेकर चलता हूँ और वहाँ पे दिखाता हूँ। और ये देखो गाइस, यहाँ पे इस तरीके के जो मंदिर है वहाँ पे काफ़ी सारे स्ट्रक्चर बनाए हैं। यहाँ पे जितना भी एरिया है वॉल का, वहाँ पे काफ़ी सारे स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पे ये गणपति का स्टैचू है और साथ में कई सारे और स्टैचू हैं। और यहाँ पे भी ऊपर भी काफ़ी सारे स्टैचू बना के रखे हैं। और गाइस मंदिर का भी व्यू काफ़ी सही है यहाँ का। और उन लोगों का एक एक स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे से बनाया गया है। अभी तो मैं आपको यहाँ से नीचे लेकर चलता हूँ और वहाँ से व्यू दिखाता हूँ थोड़े। ये मंदिर के बाहर का जो गार्डन है वहाँ का व्यू है और ये बैलगाड़ी रखी है यहाँ पे। अभी तो हम लोग अक्सर ओडी के अंदर चलते हैं और वहाँ पे जो स्वामी जी का पुराना सामान रखा है वही दिखाता हूँ आप लोगों को। जो भी स्वामी जी यूज़ करते थे सारा सामान वो यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर तो आप सभी को दिखा दिया है और यहाँ से बाहर चलते हैं और यहाँ का गार्डन का एरिया है वो दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर गार्डन में सबसे सेंटर में ये है एलिफेंट का स्टैचू और दूसरे साइड भी है और ये सामने का एरिया है। और यहाँ पर काफ़ी सारे प्लांट भी है और प्लांट को सेव करके इस तरीके से बनाया गया है। और यहाँ पर इस तरीके के बड़े बड़े प्लांट भी है और यहाँ पर बैठने की व्यवस्था भी है। और यहाँ से आपको लेकर चलता हूँ गेट की और ये है अक्षर द्वार, यहाँ का सबसे बड़ा पॉइंट। ये देखो गाइस, और ये देखो यहाँ से पूरे मंदिर का व्यू काफ़ी सही दिखाई देता है और बादलों की वजह से तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा था। अक्षरम हॉल, और आपको गाइस यहाँ पे रूम चाहिए होंगे तो रूम मिल जाएंगे। 100 रुपये डिपॉजिट के लेते हैं पर पर्सन के हिसाब से। और गाइस आपको यहाँ पे 4 दिन पहले ऑनलाइन बुकिंग करवाना पड़ेगा तभी आपको यहाँ पे रूम मिलेंगे। और आप लोग अभी बुकिंग करवाना चाहते हो तो ऑनलाइन इन लोगों की जो वेबसाइट है उस पर कर सकते हो। और गाइस अभी तो मंदिर के पीछे वाला जो एरिया है वहाँ पे आए हैं घूमने के लिए। और यहाँ पे तो यहाँ पर हमें पहुँचते काफ़ी सारे अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिले। काफ़ी सारे पक्षी थे और यहाँ पे पानी में मछलियाँ भी दिखाई दी। और यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी सारे फ़ोटो और वीडियो शूट भी करवा लिए और उसके बाद थोड़ी देर बैठे और नज़ारे को एंजॉय किए। और गाइस अभी तो ये खाना खाने के लिए पास निकल के लाए हैं। वैसे तो गाइस यहाँ पे खाना फ्री मिलता है लेकिन आपको ये पास कराने के लिए वहाँ पे अंदर जाना पड़ेगा और आपके हिसाब से जो भी श्रद्धा और उसके हिसाब से जो भी पैसे लिखवाने वो लिखवा सकते हो अंदर कार्यालय में। वो तो आपकी मर्जी, आप कितने लिखवाओ। लेकिन अभी तो हम लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है हमें तो। और जा रहे हैं गाइस अभी तो हमारी पूरी खाना। स्वागतम, तो हम लोग खाना निकल के लेकर आ गए हैं। अभी खाना खा लेते हैं। और गाइस अभी तो खाना खा के तो हम लोगों ने काफ़ी सारा आराम भी कर लिया था और फिलहाल तो थोड़ा घूमने के लिए बाहर जाने वाले हैं। यहाँ पास में एक किला जैसा है प्लेस, हमने जब वो रिक्शा में आ रहे थे ना तब देखे थे तो वहीं पर जा रहे हैं हम लोग। और वहाँ पर चलते हैं और कैसी जगह है पता नहीं, देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाऊँगा मैं सिक्योरिटी के साथ। ये देखो गाइस पता नहीं किसका घर है लेकिन अरे
एमएलए गुजरात। ये देखो गाइस, गुजरात एमएलए का घर है यहाँ पे। तो थार भी खड़ी है यहाँ पर गाइस। बात कर जाएगी उससे तो गाइस काफी खूबसूरत दिख रहा था, लेकिन पास से अब पता चलेगा कैसा है, बंद है कि खुला है, पता नहीं क्या है। चलो देखते हैं यहाँ पे। तो अभी तो यहाँ पे सारे क्रिकेट लवर है, ये देखो सभी जगह पे अभी तो क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पे पूरा ग्राउंड अभी तो भरा हुआ है। ये साइड वाला एरिया था लेकिन ये तो पूरा टूट गया है यहाँ पे। ये देखो ये काफ़ी ओल्ड हो गया है, तो इसकी वजह से जो ईंट वाला भाग था, ऊपर की जो छत थी, वो सारी टूट गई है। ये तो गाइस आपको पीछे की साइड का व्यू दिखाया, अभी तो फ्रंट साइड चलते हैं और वहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ थोड़ा। काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है बाहर से। तो चलो अभी वहाँ पे चलते हैं और दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो गाइस अभी तो फ्रंट साइड जा रहे हैं, अभी सामने हैं, लेकिन इसे भी आपको दिखाता हूँ। काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है, ये देखो काफ़ी ओल्ड हो गया है वैसे तो ये। ये सब तो भी यहाँ पे बंद है, लेकिन बाहर से ही देखते हैं जितना हो सके उतना। इस साइड तो अभी बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। और गाइस ये देखो लुक यहाँ से, और काफ़ी ऊंचा भी है। ये देखो हाइट भी काफ़ी सही है इसकी। ये देखो एरिया भी काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रहा है। उस टाइम तो कितना खूबसूरत होगा ये, अब भी पता चल रहा है। यहाँ पे तो ये देखो एक ग्राउंड यहाँ पे लोग खेल रहे हैं, ये बीच में खेल रहे हैं यहाँ पे, वो एक यहाँ पे खेल रहे हैं, और साइड से इस साइड भी खेल रहे हैं, और यहाँ पे बच्चे हैं वो खेल रहे हैं क्रिकेट। काफ़ी सारे क्रिकेट लवर्स हैं यहाँ पर। गाइस अभी तो यहाँ से निकलते हैं, ये सब तो देख लिया। अभी एक और जगह है, वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग। गाइस यहाँ पे तो आए हम लोग भुवनेश्वरी पीट गोंडल, अभी तो अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर पहुँचते ही हम लोगों को काफ़ी सुकून मिला। और यहाँ पे दो मंदिर है, नीचे शिव जी का मंदिर है ये वाला, और ऊपर ये है माता जी का मंदिर, भुवनेश्वरी माता जी का मंदिर। और गाइस यहाँ पर आते ही हमारा पूरा थकान जो था रास्ते का वो भी ख़त्म हो गया। और गाइस अभी तो नीचे जा रहे हैं, यहाँ पर शिव जी की मूर्ति है। सीढ़ियों से चलते चलते हम लोग नीचे चलते गए और वहाँ पहुँचते हमें सोचा नहीं था कि इस तरीके का व्यू दिखाई देगा हम लोगों को। और गाइस यहाँ पर मैंने शिव जी की मूर्ति देखी, और शिवलिंग में शिव जी की मूर्ति थी, वो मैंने फर्स्ट टाइम देखा था यहाँ पर। और गाइस ऊपर का व्यू, साइड का व्यू और चारों तरफ का एरिया एकदम शांत था, और काफ़ी ज़्यादा माहौल एकदम शांत हो गया था। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर, और काफ़ी अच्छी जगह भी है, और आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हो देखने के लिए, घूमने के लिए। ये गोंडल्स ये 1-2 किलोमीटर की दूरी पे ही है। और गाइस टेंपल तो घूम के आ गए, और अभी तो हम लोग अंदर कार का कलेक्शन देखने के लिए जाने वाले हैं, तो वहीं पे आपको लेकर चलता हूँ और दिखाऊँगा सब कुछ, जितने भी कार है वो सब दिखाऊँगा आप लोगों को। गाइस अभी तो यहाँ से हम लोग टिकट ले रहे हैं, यहाँ से जो ये वाला एरिया है ना, विंटेज कार म्यूजियम, 180 रुपये, और इसके साथ फ़ोटो वोटो शूट करवाने के 80 रुपये, तो वो वाला हम लोगों ने ले लिया है अभी। और गाइस अभी तो हम लोगों ने टिकट निकाल ली है, और भैया आने वाले हैं एक, तो उसके साथ हम लोग जाएंगे अंदर और वो सब हमने दिखाएंगे। सो गाइस अभी तो हम लोग जा रहे हैं अंदर, अंदर सिर्फ हमें फ़ोटो शूट करने की परमिशन मिले है, वीडियो शूट करने वाले नहीं हैं, तो मैं वहाँ पर जाकर सिर्फ फ़ोटो शूट करने वाला हूँ।
अभी तो हम लोग भी यहाँ से निकल रहे हैं। और गाइस फाइनली अभी तो कार देखकर आ गए और एक एक कार इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि यार क्या ही बताओ, मन ही नहीं भरा था और देखते ही रहता था, बस चलाने का फील हो रही थी। और गाइस फाइनली अभी हम लोग यहाँ पे डेपो पे आ गए हैं और बस का वेट कर रहे हैं, एक घंटा बाकी है अभी तो बस को आने में, 6 बज चुके हैं, 7 बजे बस आ जाएगी, तब तक तो यहाँ पे बैठे बैठे वेट करना पड़ेगा, क्या कर सकते अभी, वेट करते हैं बस आने तक। और गाइस ये है गोंडल का बस स्टेशन और अभी तो हमारी बस आ गई है, अभी तो अंदर चलते हैं हम लोग, अंदर आ गए हैं और हमारी सीट भी ले ली है हम लोगों ने। तो गाइस फाइनली अभी तो हमारी बस निकल गई है यहाँ से। चलो गाइस अभी तो गोंडल को बाय बाय कहते हैं और आज का व्लॉग तो भी मैं यही पे एंड करता हूँ। तो कैसा रहा आज का वीडियो कमेंट में जरूर बताना। आई होप आप सभी का वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइस ऐसे ही नए नए वीडियो आते रहेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।